नमस्कार, मैं हूं स्मेल अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरें। लेकिन खबर दिखाने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नजर खबरों की तरफ। खबर है चंदौली के चकिया से, जहां पुलिस और पशु तस्कर से मुठभेड़ में पशु तस्कर सहित बोलेरो गाड़ी बरामद हुई। दरअसल कंट्रोल रूम से सूचना मिलने के बाद चकिया पुलिस सक्रियता से जाने आने वाले वाहनों पर नजर बनाए हुए थे। तभी एक पिकअप गाड़ी जिसका नंबर UP 67 ET 0822 गोवंश लदकर शिकारगंज की तरफ से बिहार राज्य की तरफ जा रहे थे, इसकी सूचना पाकर तत्काल कार्रवाई करते थाना चकिया के पुलिस द्वारा गौ तस्करों को पीछा किया गया। अभियुक्त का मुठभेड़ के दौरान पैर में गुल लग गई, जिससे जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। पकड़े गए तस्करों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट चंदौली, रविशंकर मिश्रा की रिपोर्ट। यहाँ पे गौ तस्कर मूवमेंट कर रहे हैं जी, और लगातार ये लोग सवेरे ये लोग एक नियोजित रूप से क्या कहते हैं इंतजार कर रहे थे। तो आज सवेरे 3:50 के करीब क्या कहते हैं गाड़ी थी वो थाना क्षेत्र से पास हो रही थी, तो उसका पीछा करते हुए इन लोगों ने उसको पकड़ने का प्रयास किया। तो जो चालक था जी गाड़ी रुक के फिर उसके बाद पुलिस पे हमला किया है, अपने कट्टे से फायर किया है जी। और उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में फायर हुआ है और उसको पैर में गोली लगी है जी। और उसको अस्पताल ले जाया गया है, तो पता लगा है कि थोड़ी देर से अभी तक बातचीत हुई है, तो उसे 3-4 बार वो लगातार क्या कहते हैं यहाँ से बिहार की तरफ पशु ले जाता है जी। और अभी हम पता कर रहे हैं इसका और इतिहास।